बिजनेस कोई भी करना दोस्तों, बिजनेस करने के तरीके जान लेना, बिजनेस करने के अगर तरीके एक एक पॉइंट आपको नॉलेज है तो आप बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे दोस्तों। इसलिए हम अपने सारे बिजनेस में आपको A to Z जानकारी देते हैं, छोटी जानकारी बड़ी जानकारी सब कुछ शेयर करते हैं। तो आज हम दोस्तों यहाँ पे बताने वाले हैं बॉल पेन बिजनेस। यहाँ पे पेन का कितना डिमांड है दोस्तों, आप लोग जान ही रहे हैं, बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। इसको छोटे स्तर पे भी किया जा सकता है, बड़े स्तर पे भी किया जा सकता है। इसमें कौन कौन से कागजात लगेगा, आप इसका अपना ब्रांड कैसे बनाएं, कौन सी मशीनरी खरीदें, कितना प्रॉफिट होगा, A to Z यहाँ पे जानकारी हम शेयर करने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों चलिए बात करते हैं कौन कौन से कागज़ की ज़रूरत है। अगर हम दोस्तों कागज की बात करें तो आपको चाहिए MSME रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप MSME रजिस्ट्रेशन नंबर में उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत दोस्तों आपको आसानी से बैंकों से लोन मिल जाता है और सब्सिडी के साथ। इसके लिए आप अपने जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करें दोस्तों, वहाँ पे किस स्कीम के अंतर्गत कितनी छूट मिल रही, कितनी सब्सिडी मिल रही, ये जानकारी लेकर के वहाँ से अगर आप शुरू करते हैं दोस्तों तो आपको फ्री में सरकार ट्रेनिंग भी देती है और छूट का भी फायदा मिल जाएगा। दूसरा है दोस्तों GST नंबर आपको लेना पड़ेगा। तीसरा है ट्रेड लाइसेंस, ये लोकल का लाइसेंस होता है, इसको भी लेना पड़ेगा। चौथा है दोस्तों करंट अकाउंट नंबर खुलवाना पड़ेगा। और पांचवा जो मेन चीज़ है, आपका अपना ब्रांड बनाना है। इसके लिए आप एक ब्रांड नेम चॉइस करेंगे, जो भी नाम आपको अच्छा हो, अपने फैमिली अपने मित्रों के साथ बैठ के डिस्कशन कर लेना। एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा, लोगो और ब्रांड नेम का आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्ट्रेशन करवा रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों कोई और इसकी डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। एक बार पहली बार आपका 10 साल के लिए दोस्तों रजिस्टर्ड होता है, 10 साल के बाद ही फिर रिन्यूअल होता है। अब उसके बाद करते हैं दोस्तों कंपनी रजिस्ट्रेशन। अगर इसको आप बहुत बड़े स्तर पे करना चाहते हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड, LLP, OPC, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अदर लाइसेंस। जैसे दोस्तों अदर लाइसेंस, ये वीडियो आपके पास 6 महीने 6 साल बाद कब पहुंच रहा है, उस समय क्या टर्म कंडीशन है, या कभी कभी स्टेट वाइज कुछ लाइसेंस भी एक्स्ट्रा होते हैं, वो जब भी बिजनेस आप शुरू करना जिस स्टेट से है वो जानकारी लेकर के शुरू करना। अब हम बात करते हैं दोस्तों लोकेशन में, फील्ड सर्वे, डिमांड और एरिया, इजी ट्रांसपोर्टिंग, आप अपनी फैक्ट्री या आप अपना बिजनेस वहाँ शुरू करना दोस्तों जहाँ पे लोकेशन बढ़िया हो, इजी ट्रांसपोर्टिंग हो, आपका माल आने में माल भेजने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, शॉप, ऑफिस एंड फैक्ट्री, शॉप नेम, स्पेस, डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर, बिलिंग सॉफ्टवेयर एंड इन्वेस्टमेंट। अब आपको बैठने के लिए एक ऑफिस चाहिए दोस्तों, फैक्ट्री के लिए जगह चाहिए, तो उसके लिए आपको दोस्तों 1,000 फीट 1,500 स्क्वायर फीट में आपका सेटअप बढ़िया से हो जाएगा, रॉ मटेरियल वगैरह सब। अब आपको उसी में एक ऑफिस भी बनाना पड़ेगा जहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपके एजेंसी, आपके सेल्समैन, एरिया मैनेजर सब आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। उसके लिए आप अच्छे से डिजाइन करवा लेना, बढ़िया डिस्प्ले एंड डेकोरेशन होना चाहिए। अब आपको दोस्तों एक लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा बिल निकालने के लिए, और एक प्रिंटर चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपकी मशीनरी पर डिपेंड करता है, ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक कौन सी मशीन आप लेते हैं। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पर, चर्चा करते हैं टाइप ऑफ प्रोडक्ट वराइटी, आप डिमांड और एरिया। आप देख लीजिए पेन में बहुत तरह की पेन आती है, कौन सी पेन कैसे ज़्यादा चल रही है, यूज एंड थ्रो यानी लिख के फेंक दो ये चल रहा है, और कोई आप अच्छा सा ब्रांड और बनाना चाहते हैं, या मार्केट का सर्वे कर लीजिए, आप खुद पढ़े लिखे इतना जान रहे हैं तो उसी हिसाब से एक पेपर वर्क एक लिस्ट तैयार करिएगा कि इस ब्रांड को इस टाइप का हम लॉन्च करेंगे। अब दोस्तों पांचवें पॉइंट में बात करते हैं प्रोडक्ट पैकिंग। प्रोडक्ट पैकिंग यानी उसके जो रैपर हो, जो डिजाइन हो दोस्तों वो वर्ल्ड क्लास की होना चाहिए, जिससे सब लोग उसको लाइक करें। अब उसके बाद टाइप ऑफ बिजनेस रूल, बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों, बेस्ट क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, नो कम्प्रोमाइज क्वालिटी। आप अपने प्रोडक्ट के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट आपकी बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें जो इंक पकड़ती है, उसके जो प्लास्टिक रैपर यानी जो कुछ भी है उसके साथ आपका
कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट पैकिंग रूल, उसमें कुछ रूल होते हैं दोस्तों, उसमें कितने कितने ML की है, बैच नंबर, MRP, एक्सपायरी, ये सब मेंशन होता है। प्रोडक्शन टीम, आपको प्रोडक्शन टीम में दोस्तों लॉन्ग एक्सपीरियंस टीम जो ऑलरेडी दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं, इससे आपका रॉ मटेरियल भी वेस्ट नहीं होगा, आपकी क्वालिटी वेस्ट बनी रहेगी। इसके लिए आप जो दूसरे कंपनी में कोई यार मान लीजिए 40,000 पे काम कर रहा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब वो आपकी कंपनी आएगी, लेकिन उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, इसलिए एक्सपीरियंस टीम रखना पड़ेगा। रॉ मटेरियल दोस्तों, रॉ मटेरियल हरदम बढ़िया इंक, बेस्ट क्वालिटी की, ये सब आप रॉ मटेरियल का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं शॉप एडवर्टाइजमेंट, कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड होल्डिंग, ये सब के द्वारा आप अपने शॉप का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं दोस्तों। 11वां पॉइंट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान, आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें आपने मार्केट का सर्वे किया, इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफर। दोस्तों आपका हरदम प्राइस जो है मार्केट के हिसाब से रखना, बहुत हाई नहीं रखना है, हरदम आपको अपने एजेंसी वाले, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्समैन, एरिया मैनेजर से बढ़िया से कनेक्टिविटी, अच्छे से व्यवहार होना चाहिए। आप कभी कभी दोस्तों अपने पिन पे जो भी प्रोडक्ट आपका है उस पे आप छूट का ऑफर दे सकते हैं। अब उसके बाद टाइप ऑफ सेल, फिल करने के हम तीन तरीके हैं दोस्तों, ऑफलाइन, सेल्फ टीम एंड ऑनलाइन। पहले हमारे पास ऑफलाइन एंड सेल्फ टीम का ही ऑप्शन था, लेकिन आज हमारे पास एक सबसे ज़बरदस्त जो ऑफर है दोस्तों वो है ऑनलाइन का। बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनियां हैं ऑनलाइन, आप देख रहे हैं करीब 80-90% लोग ऑनलाइन ही परचेज करते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट की लॉगिन कर दीजिए सारी ई कॉमर्स कंपनियों पे। ई कॉमर्स कंपनियों पे अपने प्रोडक्ट कैसे बेचें, इसके लिए दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, देख करके वहाँ लॉगिन आप कर देंगे, वहाँ पे आपके खर्चे भी कम आते हैं। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस टीम की दोस्तों, एक्सपीरियंस टीम लॉन्ग सेल्फ एक्सपीरियंस टीम, आप जो सेल्फ टीम बनाइए दोस्तों वो ऑलरेडी जो दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं उनको अगर आप हायर करते हैं, वेतन आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आपका सेल्फ तुरंत से इंप्रूव कर जाएगा, तुरंत से सेल बढ़ जाएगा। वो दोस्तों इसलिए ऑलरेडी वो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, 8-10 साल काम किए हैं, तो उनका प्रोडक्ट वहाँ बेच रहे हैं, तो जब आपकी कंपनी का प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो उनका कस्टमर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, एजेंसी से अच्छा संबंध है, तो कहेंगे भैया ये प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, अब मैं इसमें ज्वाइन किया हूँ ये प्रोडक्ट, तो लोग वहाँ पे ये प्रोडक्ट रख लेंगे और आपका सेल ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर नया लड़का है तो अपना सेल वहाँ पे लगाने में प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा। उसके बाद दोस्तों मशीनरी की हम बात करते हैं, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, तीन कैटेगरी की मशीनें आती हैं, मैनुअली भी आती है, लेकिन आपको बहुत छोटे पे शुरू करना है तो 10-12 हज़ार की मैनुअली मशीन लेकर के आप शुरू कर सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन ऑटो मशीन, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक मशीन लेने के लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे दोस्तों, सारी फैक्ट्रियां, मशीनरी और डिस्ट्रीब्यूटर के आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा स्क्रीन पे, फिर देखिए आपके नियर में जो पड़ रहा है वहाँ पे आप विजिट करिए। विजिट करने के बाद उनके टर्म कंडीशन, रेट, वारंटी, गारंटी सब कुछ आप देख लीजिएगा, जिसका गारंटी वारंटी सब कुछ बढ़िया हो, सर्विस बढ़िया हो और प्राइस भी बढ़िया हो दोस्तों, उसी मशीन को आप परचेज करेंगे। और दोस्तों अब सारी मशीनरी कंपनियाँ या डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उनके पास रॉ मटेरियल भी मिल जाता है, आपको रॉ मटेरियल भी लेने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो उनके पास रॉ मटेरियल जो बेचते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है, तो आप उनके द्वारा मिल करके वो ड्रेन ले सकते हैं। और दोस्तों उनके पास एक्सपीरियंस टीम भी रहती है, प्रोडक्शन टीम भी रहती है, तो आप वहाँ से प्रोडक्शन टीम, एक्सपीरियंस टीम आप हायर कर सकते हैं, उनको आपको चार्ज देना पड़ेगा। इस ढंग से आप दोस्तों अपनी फैक्ट्री की शुरुआत कर सकते हैं। जब भी आप अपने बिजनेस की शुरुआत करना दोस्तों, उस समय क्या टर्म कंडीशन है और क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों, उस हिसाब से मार्केट में क्या डिमांड है, मार्केट की डिमांड को हरदम आप सर्वे करते रहना दोस्तों। तो जब आप मार्केट की डिमांड को सर्वे करते रहें तो आप कभी अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। एक चीज दोस्तों ध्यान रखना, बिजनेस कोई भी हो उसमें दो चीज़ें मेन होती हैं, अगर आप दो चीज़ों पे काम बराबर करते रहेंगे तो आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। पहले बात प्रोडक्ट की क्वालिटी, कभी आप प्रोडक्ट की क्वालिटी से, पैकिंग से, रॉ मटेरियल से कभी आप समझौता नहीं करेंगे। दूसरा चीज़ आपका स्टिक
सेल्फ टीम होनी चाहिए। सेल्फ टीम आपकी जो है बहुत सुटेबल एक्सपीरियंस हरदम कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे। यही दो चीज़ें मेन होती हैं। अगर ये दो चीज़ें आप बना के रखें दोस्तों तो आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। और एक चीज़ दोस्तों, मार्केट में बराबर सर्वे करते रहना चाहिए, कब क्या चेंज हो रहा है, उस चेंज के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को चेंजिंग लाते रहेंगे तो आप बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे, ऊंचाई दर ऊंचाई शिखर पर चढ़ते जाएंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल हो, कुछ जानकारी मिली हो। अगर आपको लगता है कि वीडियो में जानकारी सत्य है तो आप अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी कुछ जानकारी मिल जाए दोस्तों। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे और कोई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आपने तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कर ही दिया होगा दोस्तों। आपने जो अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।